नदियाँ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है, लेकिन क्या ऐसे भी देश हो सकते हैं जहाँ एक भी नदी ना हो? जी हाँ, दुनिया में ऐसे एक दो नहीं बल्कि 17 ऐसे देश हैं जहाँ एक भी नदी नहीं बहती। सऊदी अरेबिया इन देशों में सबसे बड़ा देश है जहाँ कोई भी नदी नहीं है। इसके अलावा कतर, यूएई, ओमान और कुछ आइलैंड नेशन जैसे कि बहामास, माल्टा और मालदीव ऐसे देश हैं जहाँ एक भी नदी नहीं बहती है। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग को पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसीलिए वे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क अधिक होने के कारण उन्हें किसी भी कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो परिवार उनके ऑटोग्राफ बेचकर पैसे कमा सके और आगे की जिंदगी गुजार सके। कुछ हफ्तों तक अधिक मात्रा में गाजर का सेवन करने से हमारी त्वचा का रंग गाजर की तरह संतरी हो जाता है। ऐसा हमारे खून में बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के तीन बड़े जॉइंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन क्रैश हो गए थे। वो दिन था जून 25, 2009। उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी जिस कारण से ऐसा हुआ था। दोस्तों, वैसे तो पिज्जा की डिलीवरी फ्री है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज्जा डिलीवरी के लिए कुछ 100, 1000 या 1,00,000 नहीं बल्कि पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल ये स्पेशल पैन पिज्जा एस्ट्रोनॉट यूवी उसाचेव की डिमांड पर एक रीसप्लाई रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था। पिज्जा हट ने इस 6 इंच के पिज्जा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला पहला रेस्टोरेंट बन गया था। क्या आप जानते हैं जिस डॉक्टर ने सबसे पहले बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोने की बात की थी उसे लोगों ने पागल घोषित कर दिया था, यहाँ तक कि उसे लोगों ने मिलकर पागल खाने भी भेज दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1896 तक पूरे विश्व में केवल भारतीय हीरो का एकमात्र सोर्स था। आज भी दुनिया में बिकने वाले हर 12 में से 10 हीरे भारत में ही काटे और पॉलिश किए जाते हैं। पानी की नाव को सबसे पहले हमारे भारत में ही बनाया गया था और चलाया गया था। नौका यानी कि नाव का आविष्कार लगभग 6000 वर्ष पूर्व में हुआ था और भारत के सिंधु घाटी सभ्यता में इसका आविष्कार हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 90% तक शिकार शेर नहीं करता बल्कि शेरनियां करती है। शेर केवल राजा की तरह रहता है और अपने झुंड की रक्षा घुसपैठियों से करता है। दोस्तों, धरती पर सबसे भयंकर सुनामी 1958 में अलास्का में आई थी। यह इतनी ताकतवर थी कि इसकी पानी की लहरें 1720 फीट ऊंचाई तक उठी थी, मतलब कि इस सुनामी की लहरें कुतुब मीनार से भी 7 गुना ऊंची उठी थी। दोस्तों, एक जिराफ अपनी लगभग जिंदगी खड़े खड़े ही बिता देता है। जिराफ खड़े खड़े ही सोता है और खड़े खड़े ही बच्चे पैदा करता है। हालांकि एक जिराफ जमीन पर बैठ सकता है, लेकिन वह बहुत ही रेयर केस में होता है। दुनिया का सबसे सेफ सिटी टोक्यो को माना जाता है। यहाँ पर 6 साल का बच्चा भी अपने दम पर बिना किसी डर से अकेले पूरे शहर घूम सकता है। क्या आप जानते हैं कि एलिजाबेथ बाथरी हमारे इतिहास की सबसे खूनी महिला थी। वह जवान रहने के लिए हर रोज जवान लड़कियों के खून से नहाया करती थी। हमारे भारतीय कानून के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय महिला को 14 सेकंड से ज्यादा देर तक घूरता है तो वह महिला उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 294 और 509 के अनुसार कानूनी कार्यवाही करवा सकती है। आपने कोका कोला तो जरूर पी होगी, लेकिन आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि कोका कोला पेप्सी कंपनी में कोई भी व्यक्ति कोका कोला पेप्सी नहीं पी सकता। अगर कोई व्यक्ति पेप्सी पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में केवल 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें कोका कोला का फॉर्मूला पता है और इन 2 लोगों को एक साथ कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि एक साथ कहीं जाने से अगर दोनों की मृत्यु एक साथ हो जाए तो ये फॉर्मूला कभी भी किसी को पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए एक का बचना जरूरी है, इसीलिए ये दोनों एक साथ कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। हाथी को एक बुद्धिमान जानवर माना जाता है जो कि देखकर नकल करने में बहुत ज्यादा माहिर होता है। वह बहुत सी चीजें केवल देखकर ही सीख जाते हैं। यही कारण है कि सर्कस में हाथियों को ज्यादा उपयोग किया जाता है। जापान की ट्रेन बहुत ज्यादा समय की पाबंद है। यहाँ पर कोई भी ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती है। वहाँ के रिकॉर्ड के अनुसार जापान की ट्रेन केवल एक बार 45 सेकंड के लिए लेट हुई थी,
तब वहाँ के रेलवे विभाग ने यात्रियों से माफी भी मांगी और उनका किराया भी माफ कर दिया। जब कोई बच्चा दक्षिण कोरिया में पैदा होता है तो उसे एक दिन का नहीं माना जाता बल्कि उसे एक साल का माना जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने का समय बिताता है और इसीलिए जब वो पैदा होता है तो वह एक दिन का नहीं बल्कि एक साल का होता है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सेतपाल नामक एक गांव है जहां पर लोग सांपों को पालते हैं। यहां पर आपको हर घर में सांप घूमते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन हैरानी की बात ये है कि आज तक इस गांव में सांप के काटने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। जब किसी माँ गिलहरी की मौत होती है तब बाकी गिलहरियाँ उसके बच्चे को गोद ले लेती है और अपने बच्चे की तरह ही उसकी भी देखभाल करती है। अगर कभी धरती पर 12 मैग्नीट्यूड से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ जाता है तो यह हमारी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देगा। डेड सी का पानी इतना ज्यादा खारा है जहाँ किसी भी तरह के जीव का रह पाना असंभव है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। लेकिन इससे भी खास बात डेड सी की ये है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं डूब सकता। नेक्टर स्ली वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इंसान के शरीर में इतना फैट होता है जिससे साबुन की 7 बट्टियां बन सकती है। डार्क चॉकलेट खाने से आंखों की शक्ति बढ़ती है, साथ ही दिमाग में काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो 0.2 सेकंड में उत्तर खोजने के लिए 1000 कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फिलीपींस में पाया जाने वाला बोया पक्षी प्रकाश में रहने का इतना शौकीन होता है कि अपने घोंसले के चारों ओर जुगनू भरकर लटका देता है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल लोग सांपों से ज्यादा मधुमक्खियों द्वारा काटे जाने से मारे जाते हैं। दुनिया में अधिकतर सीरियल किलर नवंबर महीने में पैदा होते हैं। जिन लोगों के शरीर पर तिलों की संख्या ज्यादा होती है वह औसतन कम तिलों वाले लोगों से ज्यादा जीते हैं। व्यक्ति खाना खाए बिना कई हफ्ते गुजार सकता है, लेकिन सोए बिना केवल 11 दिन रह सकता है। जिस हाथ से आप लिखते हैं उसकी उंगलियों के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। टाइटैनिक जहाज को बनाने में उस समय 35,17,00,000 रुपए लगे थे जबकि टाइटैनिक मूवी बनाने के लिए 1,000 करोड़ के लगभग लागत आई थी। लोग सबसे ज्यादा तेज फैसले तब लेते हैं जब वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। धरती पर जितना भार सारी चींटियों का है उतना ही सारे मनुष्य का भी है। रोम दुनिया का पहला शहर है जिसकी आबादी ने सबसे पहले 10,00,000 का आंकड़ा पार किया था। सैटर्न और जुपिटर ऐसे दो ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वह डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। कुछ लोग वेट बढ़ने से काफी परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा मौजूद है जिसका वजन रोज 1-2 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वह बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 kg भारी होता जाता है। जहाँ हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर्स और ब्रिज का अभाव है, वहाँ नीदरलैंड के एक शहर में सिर्फ इसी ने एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियाँ बिना किसी खतरे के हाईवे को पार कर सके। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1,08,00,000 रुपए लगे थे। लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जानवरों में भी ऐसा होता है? जी हाँ, पेंगुइन्स के बीच कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर प्रजाति के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए सिर्फ एक पार्टनर को ही चुनते हैं, और अपनी पसंदीदा पेंगुइन को पाने के लिए मेल पेंगुइन उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं। अगर फीमेल को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देती है और जल्द ही दोनों साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वो जैसे वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।